देखो वाउचिंग वेरिफिकेशन, ध्यान से समझो आप, जब सीए ऑडिट करने जाता है ठीक है, तो वाउचिंग करता है और वेरिफिकेशन करता है। वाउचिंग का मतलब होता है जो एक्सपेंडिचर हुए हैं उनको आप कॉरेस्पॉन्डिंग चेक कर लेना उनके वाउचर्स। जैसे मान लो मैं ये सेंटर चला रहा हूँ और अमित सर इसके मालिक हैं, तो अमित सर को मैं बोलता हूँ क्या आज एंटी आई थी 1000 रुपये ले गई, ठीक है, अगले दिन बोलता हूँ मैं नेट का रिचार्ज कराया 2000 रुपये चले गए, तो अमित सर को क्या एविडेंस चाहिए कि वेदर दैट एक्सपेंडिचर दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द मैनेजमेंट इज एक्चुअली इनकर्ड और नॉट। इफ एक्चुअली इनकर्ड दैट वेदर द सेम अमाउंट हैज बीन इनकर्ड और प्लस माइनस। तो वी ऑलवेज टेक अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट दैट इज कॉल्ड वाउचिंग, दैट इज अ प्रोपोर्शनेट स्टेप वाउचिंग। इसीलिए वाउचर की बहुत वैल्यू है कंपनी में। हर चीज क्या बनता है, वाउचर बनता है। जब आप ऑफिस में काम करोगे ना तो देखना ऑफिस में 10-10 रुपए का काम भी क्या होता है, वाउचर बन जाते हैं। अगर आप कोई चीज मांगने जाते हो ना तो क्या बोलता है, भैया वाउचर दे दो हमें, क्यों हमें लगाने पड़ते हैं, मजबूरी है हमारी, बड़े अमाउंट का तो चाहिए चाहिए। तो ये क्या है, वाउचिंग कहलाती है। तो वाउचिंग क्या मतलब हो गया, वाउचिंग का मतलब है एक तरीके से करस्पॉन्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वाउचर चेक करना सारे खर्चों की। और शॉर्ट समझते हैं, दो चीजें बनती हैं, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट लॉस में सब क्या आता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को हम चेक करते हैं वाउचर्स, और बैलेंस शीट में हम क्या लगाते हैं, वेरिफिकेशन। दो चैप्टर हैं बट कॉन्सेप्ट इज सेम, वाउचिंग करस्पॉन्डिंग वाउचर्स, वेरिफिकेशन वी चेक द वेरिफिकेशन। लाइक सपोज अब वेरिफिकेशन पे आओ आप, वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सपोज कंपनी कह रही है वी हैव परचेज कंप्यूटर, वी हैव परचेज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इज एन एसेट्स, तो वी विल वेरीफाई वेदर, दो तीन पॉइंट चेक करते हैं, वेदर द कंप्यूटर परचेज बाय द एंटिटी इज ओन्ड बाय, मतलब उसकी ओनर भी है नहीं है, वेदर द एंटिटी परचेज दैट एसेट एज लोन और इन कैश, ये वेरिफिकेशन है, वेदर द एंटिटी परचेज द कंप्यूटर फ्रॉम द लोन, वेदर इट्स पेइंग लोन और एनुअल इंस्टॉलमेंट टाइमली, ठीक है ना। और दूसरी चेक करें, ओनरशिप चेक करते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल चेक करते हैं, उसका हम राइट चेक करते हैं और उसकी करेक्ट वैल्यू चेक करते हैं। बिकॉज सपोज कंप्यूटर हैज बीन परचेज बाय द एंटिटी फाइव ईयर्स एगो बट नाउ इट इज स्टिल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, तो वी विल चेक दैट वेदर द फेयर वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर हैज बीन फाइनली डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट और नॉट। हम ये चेक करेंगे 5 साल की वैल्यू आज कितना दिखा रहे हो, क्या सही दिखा रखा है, डेप्शन हैज बीन चार्ज और नॉट, प्रॉपर डेप्शन हैज बीन चार्ज और नॉट, प्रॉपर कंडीशन ऑफ कंप्यूटर इज हैविंग और नॉट। सपोज यू हैव परचेज द कंप्यूटर, यू हैव शोन दैट इन बैलेंस शीट, एक्चुअली कंप्यूटर डज नॉट एग्जिस्ट। हम चेक करने गए तो कंप्यूटर है ही नहीं वहां पे, आप क्या करो, कंप्यूटर है, कंप्यूटर फिजिकली कहाँ है, दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन है। अब वाउचिंग में क्या आपने चेक किया था, तो बताओ डिटेल क्या है, डिटेल्ड क्या है, वेरिफिकेशन। तो सीए जो होता है एक्चुअली में वाउचिंग का काम किससे करवाता है, अपने स्टाफ से, लेकिन वेरिफिकेशन खुद करता है, क्योंकि वेरिफिकेशन में माइंड चाहिए, वेरिफिकेशन में नॉलेज चाहिए, वेरिफिकेशन में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। वाउचिंग में क्या करना है आपको, बेटा चेक कर लेना वाउचर, आपको एक शीट पकड़ा दी जाएगी एक्सपेंडिचर की पीएनएल वगैरह, और आपको कॉरेस्पॉन्डिंग आप ऑफिस से क्या मंगा लोगे, क्लाइंट से वाउचर का पूरा लिस्ट, अगस्त के वाउचर, जुलाई के वाउचर, उसके वाउचर, कैश के वाउचर, रिसिप्ट के वाउचर, पेमेंट के वाउचर, सेल के वाउचर, परचेज के वाउचर, और आप कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करो। तो दिस इज टू चैप्टर्स, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। अब एग्जाम में क्या आएगा, मीनिंग आती है जो समझ गए आप, डिफरेंस आता है समझ गए आप, अब दो तीन वाउचिंग आएंगी, दो तीन वेरिफिकेशन। जैसे मान लो एग्जाम में आ गया वेरिफिकेशन करिए फिक्स एसेट्स का क्वेश्चन, वेरिफिकेशन करिए कंप्यूटर का, वेरिफिकेशन करिए गुडविल का, ये क्वेश्चन बन जाते हैं, या वाउचिंग करिए खर्चों का, वाउचिंग करिए पैटी कैश का, वाउचिंग करिए, एक हेड पे आता है। अब आप समझ जाएंगे उसके अंदर पकड़ना क्या है, दिमाग लगा देना अगर याद नहीं होती तो, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम कॉमन सेंस से पढ़ते हैं, अगर मैं चेक करने जा रहा हूँ गुडविल, तो हाउ विल वेरीफाई द गुडविल, वेरिफिकेशन कैसे लगाएंगे गुडविल में, दो तीन चीज चेक करेंगे, गुडविल वेदर गुडविल इज परचेज और जनरेटेड, पहला कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि गुडविल खुद की जनरेटेड है या परचेज करी थी, अगर परचेज करी थी तो बैलेंस शीट में शो हो रखी है या नहीं, जो कि होनी चाहिए, अगर ओन्ड है खुद बनाई है तो बैलेंस शीट में नहीं शो करी जाती, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लग रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात, क्या गुडविल सही तरीके से बैलेंस शीट में इंटेंजिबल के अंदर शो है कहीं और शो है, ये वेरिफिकेशन, वेदर गुडविल हैज बीन प्रॉपरली रिटर्न ऑफ और नॉट, गुडविल की एक लाइफ होती है, जैसे एसेट्स होता है वो रिटर्न ऑफ होती है, वो एमोर्टाइज होती है, एसेट्स में क्या लगाते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन, बट इंटेंजिबल में क्या लगाते हैं, राइटिंग ऑफ का प्रोसेस, एमोर्टाइज बोलते हैं उसको,
ठीक है, फिर वही एग्जांपल, वेदर गुडविल करेक्टली शोन इन द बुक्स और नॉट, करेक्टली मतलब फेयर वैल्यू आज की, ठीक है ना, दो तीन आप कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है। ऐसी बताओ वाउचिंग की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आ जाएगा कितने वाउचर्स होते हैं, एक क्वेश्चन आएगा कितने वाउचर्स होते हैं, बहुत सारे वाउचर्स हैं। मेनली क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, उसके अंदर और जाएं अगर तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स होते हैं, सेल के, परचेज के, एक्सपेंस के, रिसीवेबल के, ठीक है ना। एक होता है जनरल वाउचर, क्या होता है जनरल वाउचर, जनरल वाउचर वो होते हैं जिसमें ना कैश आता है ना जाता है, जनरल होते हैं, जीवी बोलते हैं, जेवी। जैसे मान लो पीएनएल में, पीएनएल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है बट क्या उसमें कैश आउटफ्लो होता है, नहीं होता, लेकिन वो कौन से वाउचर में, उसका वाउचर भी बनेगा कंपनी में, जेवी बनेगा, वो क्या बनेगा जेवी। आउटस्टैंडिंग खर्चे, आउटस्टैंडिंग पेमेंट तो नहीं हुई बट एंट्री तो हुई होगी, और हर एंट्री क्या बनता है वाउचर, तो उसका कहाँ जाएगा, वो जेबी में पड़ा होगा वाउचर। तो सबसे ज्यादा गलतियां, सबसे ज्यादा फ्रॉड कहाँ करती है कंपनी, जेबी वाउचर। क्यों, जेबी गलत बुक करके और फिर पेमेंट कर देती है, ये जेबी गलत बुक करके रिसिप्ट दिखा देती है, तो हमें केयरफुली क्या चेक करना पड़ता है। हालांकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, वी विल नॉट गो दिस मोमेंट। तो मतलब मेरे कहने का, जेबी वाउचर में क्या एंट्री बुक होते हैं, जो रिसीवेबल्स पेबल्स होती हैं और जो नॉन मॉनिटरी होती है जेबी के अंदर आती है, ठीक है। ये है आपका वाउचिंग और वेरिफिकेशन। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो 5.4 में वाउचिंग के अंदर, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर। ऐसे तो कंपनी फ्रॉड भी कर सकती है ना, कि वाउचर भी गलत बनते हैं आजकल तो। हालांकि फ्रॉड को हम रोक नहीं सकते बट हम फ्रॉड का पता तो लगा सकते हैं, फ्रॉड को आइडेंटिफाई करता हो, रोक नहीं सकता वो, ठीक है ना। तो वाउचर भी तो गलत बनते हैं, तो हाउ विल यू एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वाउचर। वी विल चेक व्हाट, डेट, वी विल चेक व्हाट, क्लाइंट नेम, बिजनेस, वी विल चेक व्हाट, ऑथराइज, ऑथराइज समझे आप, वाउचर को कौन साइन करता है, ऑथराइज कौन करता है, 10 लाख का खर्चा किया किसने, साइन करके बोल दिया आपने। एक कैशियर जैसा बंदा वो खर्चा थोड़ा ना करता है, उसको काउंटर में चाबी रहती है, लेकिन हर खर्चे के लिए क्या बोलता है, सर से पूछता हूँ, सर से पूछता हूँ। किसी कंपनी का मैनेजर है, आप बोलो सैलरी नहीं दी आपने, सर ने भी दिए नहीं मुझको, सर पे डिपेंड है ना वो, इसका मतलब ऑथराइज नहीं है वो, अथॉरिटी ऊपर से मिलती है। तो जो वाउचर है वो ऑथराइज है या नहीं है, तुमने कैसे साइन कर दिए, साइन तो तुम्हारे है ही नहीं, ठीक है। अकाउंटेड, क्या सारे वाउचर की एंट्री है, ये जो वाउचर की एंट्री नहीं है वो कहाँ है, अकाउंटिंग उसे बोलते हैं, यानी वाउचर पढ़ा ही है, एंट्री तो करी नहीं, ठीक है ना। कंप्लीट मतलब कोई फिगर मिस ना हो, जीएसटी लगाया ही नहीं वाउचर में, डुप्लीकेट कॉपी बनाई ही नहीं, बहुत टाइप के फ्रॉड होते हैं। हर बिल कम से कम 3 कॉपी बनता है बड़े कंपनी में, 3 कॉपी, 1 कॉपी खुद, 1 कॉपी पार्टी के पास, और 1 कॉपी कार्बन कॉपी जो बनती है कभी कोई भी इन्वेस्टिगेशन मांगे, ठीक है ना, ट्रिप्लीकेट, ठीक है। और अर्थमेटिकल चीज चेक कर लेंगे, अर्थमेटिकल मतलब कैलकुलेशन। आजकल तो वैसे कैसे बनते हैं वाउचर, कंप्यूटराइज बनते हैं, कंप्यूटराइज मतलब सब कुछ फीडिंग होती है, अभी सब में ऐसा नहीं हो रहा, आजकल वाउचर भी मैनुअल बनते हैं। जैसे मान लो आप कुछ खरीदने जाते हो मध्य भारत में किसी शॉप पे, तो आज भी वहां से लिखता है ना पैंट ये और 420 रुपये, लेकिन बड़ा सामान ले जाओगे आप तो हाथ से नहीं लिखा जाता, सारा जीएसटी कैलकुलेटर कंप्यूटर कर देता है। हालांकि कंप्यूटर तो मिस्टेक कर सकता है, क्या मिस्टेक कर सकता है बताओ, जीएसटी हैज बीन रिवाइज बाय द गवर्नमेंट एंड योर सॉफ्टवेयर इज नॉट अपडेटेड, स्टिल चार्जिंग 12% रादर देन 15% विच इज करेक्ट, गलती वहाँ भी सकती है। तो हम तो सी है, हमें तो अपडेटेड है, हम तो ऑडिटर है, गलती पकड़ लेंगे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यहाँ पे, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, एक क्वेश्चन देखते हैं। वेरिफिकेशन है, मैंने क्या बताया, कुछ चीजें सब में सिमिलर है वाइल वेरीफाइंग दी असेट्स, जैसे ओनरशिप बताया ना मैंने आपने, ये सेंटर मेरा है नहीं, दिस इज नॉट माय ओन्ड, अगर मैं कहता हूं मेरा है मेरा है, तो दैट शुड बी इन बैलेंस शीट, और इफ इन बैलेंस शीट दैट शुड बी ओन्ड, प्रैक्टिकली ओन्ड बाय मी, दैट शुड डॉक्यूमेंट है मेरे पास नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं ऐसे। मेरी नोएडा में जमीन है, मेरी गुड़गांव में जमीन है, बोलने से क्या है, मेरी सऊदी अरब में जमीन बोल दो आप, लेकिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या आप सच में ओनर हो, तो हम चेक करते हैं, ओनरशिप चेक करते हैं, टाइटल चेक करते हैं, पोजीशन चेक करते हैं। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात आ गई, पोजीशन मतलब, पोजीशन मतलब आप उसमें अधिकार रखते हो, जैसे सेंटर है मेरा पोजीशन, देखो आई एम टीचिंग इन द सेंटर, बट दिस इज पोजीशन, दिस इज नॉट ओनरशिप, पोजीशन मतलब ऑक्यूपाई करना, अवैध कब्जा करना, तो पोजीशन भी होना चाहिए और ओनरशिप भी होनी चाहिए, तब आप मालिक बनते हो। उसके बाद वैल्यूएशन, सारे फिक्स असेट्स क्या होने चाहिए, वैल्यू होने चाहिए, जो आप कहते हो डेप्शन लगाते हैं, डेप्शन लगाने का मतलब ही क्या है, करेक्टली वैल्यू करना हर साल, ठीक है।
ये सब चेक कर लेंगे हम किसके अंदर, वेरिफिकेशन। वैल्यूएशन, आजकल तो वैल्यूएशन भी कैसे होती है पता है, आजकल सर्टिफाइड वैल्यूअर है देश में। कौन है? सर्टिफाइड वैल्यूअर। पढ़ाई किसकी होती है? वैल्यूएशन करने की। एक एक्चुअरियल कोर्स होता है जिसके थ्रू आप क्या बनते हैं, किसी चीज़ की वैल्यू करते हैं, ठीक है ना। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है ऐसे निकाली जाती है इसकी, ठीक है ना। 10 साल पहले कितनी थी, 10 साल बाद कितनी होने की संभावना है, ठीक है ना। तो उससे हम सर्टिफाई कराते हैं बड़े बड़े एसेट्स की वैल्यू, तब सीए वेरीफाई करता है कि हाँ। सिर्फ माउथ पब्लिसिटी करने से हम नहीं मानेंगे, ठीक है।